online class which is organized by Krishna Memorial High School. Class 2, subject math, page number 105-6-7. आज मैं आप लोगों को मैथ का पेज नंबर 105-6-7 समझाऊंगी, ठीक है. व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट क्या होता है. ए पॉइंट डज नॉट हैव एनी लेंथ विथ शेप और साइज, इट ओनली हैज ए पोजीशन. इज कॉल्ड पॉइंट. पॉइंट किसे कहते हैं, जिसमें ना लंबाई ना चौड़ाई और ना मोटाई होता है, उसे हम लोग पॉइंट कहते हैं, माने बिंदी कहते हैं, ठीक है. ये जो बिंदी, ठीक है. नेक्स्ट नंबर आप लोगों को समझ में आ गया. ये कॉपी है हमारा, ये कॉपी है और कॉपी के बीच में जो मैंने ये पॉइंट दी हूँ, इसे पॉइंट कहते हैं. जिसमें ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना मोटाई होता है, उसे हम लोग पॉइंट कहते हैं, बिंदु कहते हैं. नंबर 2, व्हाट इज स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन किसे कहा जाता है. द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स बिटवीन एंड बिलोंग बियॉन्ड टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन. हम लोग दो पॉइंट को लेके जो बीच में इस तरह से मिलाते हैं, इसे हम, और इस लाइन में जो सीधा होता है, इसे हम लोग स्ट्रेट लाइन कहते हैं. नंबर 3, व्हाट इज कर्व. कर्व किसे कहते हैं. ए कर्व रेफर्स टू लाइन दैट इज नॉट स्ट्रेट इज कॉल्ड कर्व. कर्व का जो लाइन होता है वो स्ट्रेट नहीं होता है, वो देखिए इधर में टेढ़ा मेढ़ा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, और इस टेढ़े मेढ़े लाइन को हम लोग कर्व कहते हैं, ठीक है. व्हाट इज रिक्टेंगल. ए रिक्टेंगल हैज फोर साइड, ऑल साइड आर इक्वल हैज फोर कॉर्नर्स, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल. रिक्टेंगल मीन्स होता है आयत. आयत का क्या है, आमने सामने की जो भुजाएं बराबर होती है, ये अपने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं, उसे हम लोग आयत यानी रिक्टेंगल कहते हैं. इसमें फोर साइड और फोर कॉर्नर होता है, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और जो आमने सामने की साइड्स होता है वो इक्वल होता है, ठीक है. नेक्स्ट नंबर 5, व्हाट इज स्क्वायर. स्क्वायर आप लोग होमवर्क कीजिएगा. व्हाट इज ट्रायंगल, व्हाट इज सर्कल, ठीक है. थैंक यू क्लास.